पहले पहरे घूमना
दर्शन सतगुरु तेरा जी मैं Thank you.
दर्शन करना हो बलिहारी सतगुर चरना जी के दाते प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम च तेरे सच मंत्र तुम्हारा है अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आवे ना जाए मेरा प्रवे अविनाशी तुम मेहरबान दास मम दीना नानक साहिब पर पुर लीना इक पल जो तेरे दर निर्गुण लिहो बारी सदगुर सिंध सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास संत पाछे परयो राख लिहो बारी प्यारे एहो तेरी बारी Oh,
ਸਤਿਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਰਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਾਬਤ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਜੇਠ ਜੁੜੀਂਦਾ ਲੋੜੀ ਹੈ, ਜੇਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਡਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇਠਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
कितना क वड्डा है कोई कहा नहीं जा सकता। वड्डे इयां वड्याईयां किच कहना कहना जाए। वड्डा कितना क है, वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुत तखत, सिर शाह पात शाह निचर चौर छत। अत उच्चा ताका दरबारा अंत नहीं किच पारा, वारा कोट 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 लगता है एक तिल ताका महल ना पार। कितना का बड़ा है परमेश्वर काल गुरुवारे। महाराज प्रमाण करते हैं हर जेठ जोड़ींदा लोड़ी है। साध संगत सारे ही आपां तुसी भी असी भी आपां कलयुगी जीव हाँ, कलयुग के समय के सारे ही कुछ ना कुछ लोड़ते हाँ, भाव मंगते हाँ गुरु तो। महाराज दुध दियो, पुत दियो, धन दौलत लक्ष्मी, दिन रात आप कितना कुछ मंगते हाँ, जोड़ींदा लोड़ी है। महाराज कहते बई कोई विरला ही है जेड़ा उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं लोड़दा है। अको सतनाम श्री वाहिगुरु। वड्डे दे नाल जुड़ के फिर भाई वड्डियां ही दातां प्राप्त होंदियां हन। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिवें भगत बेणी दी साखी आउंदी है। भगत बेणी की करया करदा सी, सांस एकांत दे विच बैठ के परमेश्वर दा नाम जपया करदा सी। एक दिन की होया, उसकी माता कहन लगी बेणी बई घर दे विच तां राशन खत्म हो चुका है, तू अकाल पुरख वाहिगुरू नूं बेनती कर कि घर दे विच राशन खत्म हो गया, राशन पहुँचा देवी। बेणी भगत कहन लग्या माता बस इतनी की गल है, क्योंकि जेडे परमेश्वर के भगत होंगे उन्होंने परमेश्वर के उपर 100% श्रद्धा विश्वास होंदा है, ते आपां हजे तक विश्वास नहीं आया, खिमा करना गुरु के उपर। जा कै मन गुर की प्रतीत, आपां आ गई प्रतीत। जे तो आपां प्रतीत होवे गुरु के उपर, फिर आ साधन खिमा करना दरबार भरिया होना सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये जिहड़े समागम रखे जाते ने ना, ये सरबत दे भले वास्ते ही होया करते हैं। बेणी कहन लग्या माता बस इतनी की गल है, मैं हुणी कह दिता परमेश्वर नूं, हुणी राशन दे गड्डे आ जाणगे। बेणी ने बेनती की अकाल पुरख वाहिगुरू के चरणों के विच जुड़ के, जिवें आपां भी अरदास बेनती करते हाँ ना महाराज, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अव गुण ना विचारो कोई, माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत एही। बेणी ने एक मन एक चित हो के अरदास की, साधन एक मन एक चित हो के जुड़ के, जे आपां गुरु के चरणों के अरदास बेनती करांगे ना, तां गुरु फिर प्रवान भी करना है। दोए कर जोड़ करो अरदास खुद भावै तां आने रस, बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास। पर उहदे जन बनना पैणा पहला शर्त रखती महाराज, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणदास। ठीक जिस तरह अरदास बेनती करनी चाहिए उस तरह अरदास बेनती की भगत बेणी ने। परमेश्वर ने की किया, सा संगत रूप धार के ना राशन के गड्ढे भर के आ गई। आपको सतनाम श्री वाहिगुरु। माता कहन लगी भी राशन तो इतना का आ गया है, हुण तो रखन नूं भी जगह नहीं है। भगत बेणी कहन लग्या महाराज जेवड़ आप
तेवड़ तेरी दात माता जितना का बड़ा उस परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु है उड़िया ही वड़िया उस दिया दाता हैं पर आपां की करते हाँ उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं नहीं मंगते सा संगत होर दुनियावी पदार्थ ही मंगी जाते हैं। बाबा नंद सिंह जी महापुरख नानक सर कलेरां बारे वचन करिया करते कहते फल ना मंगो दरख्त मंगो फल तो भाव जड़े दुनियावी पदार्थ हैं जां दरख्त मंगो कहते छां ना मंगिया करो ये पदार्थ छां वत ने कुछ समय लई है जड़ा गुरु है जे गुरु मिल गया भाव दरख्त मंग लिया मतलब छां भी आ गई फल भी आ गए। ठीक इस तरह महापुरख बचन करिया करते भाई छां ना मंगया करो दरख्त मंगया करो भाव के दुनियावी दाता ना मंगया करो गुरु के पासों गुरु नूं ही मंग लिया करो जिथे गुरु आ गया उत्थे फिर दुनियावी दाता तो मगर मगर ही आ जांदियां। कई कहते हाँ जी साड़ी उस दे नाल यारी है MLA नाल यारी है जा प्रधानमंत्री नाल मुख्यमंत्री नाल ये तो इत्थे ही है ना पर महाराज कहते तू उस अकाल पुरख नूं अपना सज्जन अपना यार अपना मित्र बना अपना साथी बना तीन लोक 14 भवन जिहदे हुक्म दे अंदर हैं हुक्में अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्में जे बुझे ता हमें कहे ना कोए। कोई साध संगत वर्मा जी नू मानता है कोई विष्णु जी की उपासना करता है कोई शिवा जी कोई दरख्तां नू पानी पाउंदा है कोई किते पर महाराज कहंदे भै विच पाउण पाणी पै संतर ये भाई सारे देवी देवते उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे हुक्म दे विच ही हन जिव तिस भावै जिवें उहनूं पाउंदा है तिवै चलावै ये भी उहदे हुक्म दे विच ही साध संगत परमेश्वर ने ड्यूटी लगी हुई है। हर जेठ जुड़ींदा लोड़ी है भाई तू उस डाढ़े नू रब नू मंग जिहदे मिलण करके दुनियावी पदार्थ आपे ही मिल जाने हन जिस अगे सब निवन वी जिस अकाल पुरख वाहिगुरु दे अगे सारी सृष्टि कायनात हथ बन के खलोती है वड़े वड़े देवी देवते भी झुकते हैं तो उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल जुड़ना कर। पर अकाल पुरख वाहिगुरु नूं मंगदा ही कोई कोई है सा संगत जिवें इतिहास दे विच जिक्र आउंदा है गुरु अंगद देव महाराज गुरु नानक देव जी महाराज तुरे जा रहे हैं गुरु अंगद देव जी महाराज मगर ही मगर महाराज ने की किया किते चांदी के ढेर लगा दिते किते सोने दे किते माया दे कि शायद पिछे मुड़ जाएगा भाई लैना। कई सिख संगत सन साधन कोई माया लैके चले गया कोई चांदी कोई सोना सब मुड़ गए पर गुरु अंगद देव महाराज जी ठीक उस तरह गुरु नानक देव महाराज के पिछे पिछे तुरे जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कह लगे भाई लैने बई तू नहीं मुड़िया पिछे की गल सब मुड़ गए वालो बारी गल च पला पाया हथ जुड़े गरीब नवाज बई जड़े मुड़ गए ना उन्हां दा कोई ना कोई पिछे सी आखो सतनाम श्री वाहिगुरु महाराज मेरा तो हम तू ही है किसी कोई कोई मांझ निमाणी एक तू
क्यों ना मरीजै रोए जा लग कितना कोई किसी दा किसी दा किस ही कोई कोए मंझ निमाणी इक तू क्यों ना मरीजै रोए जा लग चित ना आवे। महाराज जिहड़े पिछे मुड़ के ना बई उन्हां दा कोई ना कोई सी महाराज मेरा तां हुण तू ही है। फिर साधन देख लो गुरता गद्दी दे मालक बन गए दूसरे गुरु नानक बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु का मिलाप मंगया गुरु की खुशी मंगी। हर जेठ जुड़ींदा लोहड़ी है महाराज गुरु अर्जन देव महाराज भी यो ही प्रमाण करते हैं। फिर जे तू पूरे गुरु नाल जुड़ जाएगा फिर होगा कि जीवन दे विच कहिंदे खुशहाली आ जाएगी जीवन दे विच बहार आ जाएगी सोहणिया सोहणे पत्ते लगनगे जिंदगी दे बूटे दे उपर सोहणी बहार आवेगी खुशियां माणेगा तू जे जुड़ेगा गुरु दे नाल। जिस अगे सब निवन जेडे अकाल पुरख वाहिगुरु दे अगे देवी देवते भी झुकते हैं। हर सज्जन दावण लगिया किसे ना देवी बन दावण कहते हैं पल्ले किसी ने लड़ लग जाना जो आप कहते हैं। हर सज्जन दावण लगिया किसे ना देवी बन बई जे तू पूरे अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणा के नाल जुड़ जाएगा। चरणा के नाल जुड़ना की है उसके चरण केड़े हैं जी चित चरण नाम परमेश्वर का अमृत रूपी नाम उसके चरण हैं। हर अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई नाम रूपी अमृत नाल की होगा जिस सिमरत सुख पाई है सुख लोड़ते हैं ना सारे
महाराज आ दियो मैं सुखी हो जावा। जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, तिखा तो भाव तृष्णा। सो वाला कहिंदा जी हजार होण, हजारां वाला कहिंदा लख, लखां वाला कहिंदा करोड़ होण, पर तृष्णा बुझदी नहीं है सासंगत। तृष्णा विरले ही की बूझी रे, कोट जोरे लाख करोड़े, परै परै ही को दूजी रे। हर अमृत नाम निदान है मिल पी वो भाई, जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म गुर, जे तू पार ब्रह्म परमेश्वर की सेवा करेगा फिर कहते भुख रहे ना काई, कोई भुख रहनी नहीं उत्थे। सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई, तुद जेवर तू है पार ब्रह्म नानक शरनाई। हर सज्जन दावण लगे हाँ, भी जे तू अकाल पुरख वाहिगुरु का परमेश्वर का पल्ला फड़ लवे गाना, फिर कह तू दुखा का डर की, तेन तो मौत का डर भी नहीं रहना। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, किसे ना देई बन। सब तो वड्डा दुख, दुख तो कई हैं, जड़ा मौत का दुख है ये बहुत वड्डा मनिया गया है। एक दुख विछोड़ा, एक विछोड़े का दुख जी विछोड़ा ना पै जाए किसी नालों। एक दुख भूख, एक भुख का दुख है। एक दुख सकत वार जम दूत, एक जमा दी मार का दुख है। सा संगत जेडे मनमुख हैं ना पर उन्होंने पैंती है, ताई तो कबीर जी ने लिख दिता ना, कबीर जमका ठेंगा बुरा है वो नहीं सहया जाए। एक जो साधु मोहे मिले हो तिन लिया अंचल लाए, अंचल का भाव पला लड़, भी मैं पूरे महापुरख की, पूरे महापुरख के नाल जुड़िया, उन्होंने वचन की कमाई की। अच्छा जुड़ना की है जी, हुण शरीर नाल जुड़ जाना, जे हुण आपां गुरु घर आउंदे आ की आ बिल्डिंग दे नाल जुड़ना है, नहीं सा संगत इत्थे है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हाजर नाजर सतगुरु। अपां जुड़ना है शब्द दे नाल, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बोरा नंग। ये सुरत ते शब्द का मार्ग है साधन। जदों आपां संगत दे विच आवांगे, गुरबाणी का पवित्र उपदेश सरवण करांगे, फिर आपां नूं सोझी आवेगी कि जुड़ना किवें है। महाराज ने आपां नूं आसीर बख्शिया, कादे वास्ते बख्शिया, भई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की यह तरी बरिया, अवर काज तेरे किते नाकाम, मिल साध संग। जिथे हुण आपां बैठे हाँ आ संगत दा समां, इत्थे आके करना की है फिर, कहिंदे भज केवल नाम। पहलां इत्थे बैठ के परमेश्वर का नाम जपना पवेगा, घरे जाके तो समाधि फेर लगेगी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कई कहिंदे ने जी गुरुद्वारे जाण दी की लोड़ आ, रब तां घरे ही आ, घरे ही बैठ के जप लो। ठीक है सासन, घरे बैठ के भी परमेश्वर नूं जपिया जा सकता है, पर जे आपां संगत दे विच जुड़ के नाम जपांगे तां ही इत्थों सोझी आवेगी ना, तां ही मन दे विच शौक पैदा होवेगा ना। प्रेम बिना भाव नहीं उपजै, गुरु नाल प्रेम होवेगा तां ही गुरु का नाम जपांगे। भाव बिन भगत ना होए तेरी, गुरु की प्रेमा भगती भी प्रेम दे नाल हुंदी है। पहला आप एक कदम गुरु वाल आवेंगे तो ही गुरु फिर सासन थोड़ा कदम अगों लैन वास्ते आवेगा। हर सज्जन दावण लगे हाँ किसे ना देई बन, जड़े विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह हंकार, महाराज कहते इन्हों तो भी तेन छुटकारा मिल जाएगा। होर तू जितने मर्जी जतन कर ला, ये तेरा खेड़ा नहीं छड़न वाले। माणक मोती नाम प्रभ, सब तो उत्तम धन केड़ा है परमेश्वर का नाम। हम धनवंत भागठ सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना।
ता मेरे मन भया निदाना रतन लाल जाका कछु ना मोल। परमेश्वर का नाम इतना अमोलक है, कहते रतन लाल वो सामने कुछ भी नहीं। रतन लाल जाका कछु ना मोल, भरे भंडार अखूट अतोल। खावै खर्चै रल मिल भाई, तोट ना आवै वध हो जाई। परमेश्वर का नाम जप जप के जे तू ये अमोलक खजाना ये अमोलक धन भाई इकट्ठा कर लवेंगा, फिर की करना के जमा कर लेना अपने पास। दुनियावी धन तो आप कमाते हैं ना, बाहर देशों च भी जाते हाँ, होर भी किसी तरीके भी माया कमा लिए सुखी हो जावे, फिर आप सामभ सामभ के रखते हैं कि कोई चोर चुरा ना लवे। पर इतने जो परमेश्वर का नाम रूपी धन है, महाराज कहते इन जमा नहीं करना, तो अगे वंडना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। खावे खर्च, दुनियावी धन तो जो आप खर्चा तो घटूगा ना, खत्म होगा ना। पर जो ये परमेश्वर का नाम रूपी धन है, ज्यों ज्यों कहते आप खर्चा वरता अगे वरतावे तो यह वधदा जाएगा। खावे खर्चा रल मिल भाई, तोट ना आवे वध हो जाई। तरे तो मां पुरखा की बाबत गुरबाणी च फरमान आता है, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे। भी सच्चे सेठ सच्चे शाहूकार परमेश्वर के प्यारे कहते संत जन हैं, जिन्ह ने परमेश्वर का नाम जप के अपने हिरदे रूपी घर के परमेश्वर का नाम रूपी धन जमा कर लिया है। दुनियावी तौर पर आप कहते हैं जी फलाने के पास माया बहुत है, बड़ा सेठ है, शाहूकार है, पर महाराज कहते नहीं भाई, कि माया वाले तुम वड्डा मानते हो, कौन वड्डा, माया वड्डे आई जी? नहीं महाराज कहते सो वड्डा जिन राम लेवल आई, भी उही वड्डा है जिसने परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणा नाल अपनी सुरत जोड़ के उसका सिमरन किया, नाम रूपी धन जमा किया है। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर धन हर नामा। उन्होंने हिरदे रूपी तोशे खाने के भी आही परमेश्वर नाम रूपी धन जमा होता है। प्रवान गणी सही ये आए सफल तिना के काम। आप भी सारे कहते हैं जी साडा भी संसार से आया प्रवान ही हो जाए, साडा भी संसार से नाम रह जाए, पर नाम सा संगत उन्हों का रहता है जेडे संसार वास्ते कुछ करते हैं, जेडे परोपकार करते हैं जी। फलाना हुंदा सी आ काम होया, जा फलाना हुंदा सी उसने लड़कियां दे गरीब लड़कियां ने शादी कीती व्याह कीते, जा फलाना हुंदा सी गुरुद्वारे कथा कीर्तन हुंदा रहा उन्नी देर संगत जुड़ती रही। नाम सा संगत फिर कहन तो भाव उन्हां दा ही रहिंदा है जेडे विच दुनिया सेव कमाई है, जेडे सेवा करते हैं ता दरगह बैसन पाई है। महाराज कहते भी परमेश्वर का जो नाम आना इतना अमोल है, इसकी कोई कीमत कही नहीं जा सकती। बहुत शास्त्र बहुत सिमृति पेख है सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम। सारे भाई गज के शब की धारणा बोलिया करो, देखो फिर कैसा आनंद वरतेगा। मेरे साई जी का I'm sorry.
जिन्ना भाग मथा है से नानक हर रंग मान दो। भी जिन्ना दे मस्तक के उपर वड्डे भाग हुंदे हन उन्हां नूं ही नाम की कीमत का पता लगता है कि यह सोने के बराबर मिल जाएगा जी। कोई खट्टी है, कोई दुकान है भी आलो जी सानूं इन्ना सोना लैणो नाम दे दिओ। महाराज कहिंदे नहीं, कंचन स्यों पाई है नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। फिर ये नाम मिलेगा किवें? कहिंदे मन देना पवेगा गुरु नूं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। दरिया विच तां आपां माया दिंदे आ, धन दिंदे आ, पर जिहड़े परमेश्वर नाम ये भाई मन विच ना पवेगा। मन विच है सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास। देखो गुरु कैसा सौदागर है। महाराज कहता जरा महाराज कहते जिहड़ी तेरे कोल सब तो बेकार चीज़ है ना तू वह सानू दे दे, असी तेनों सब तो कीमती चीज़ देंदे हैं। दुनिया तो इदा है भी अपने घर कोई कबाड़ हो आप दे गए कही सानू दे बदले कोई हीरे दे दो, जवाहरात दे दो। जिहड़ा अपन खज्जल खुआर कर रहा है अपना मन ही कर रहा है। महाराज कहते तू मन सानू दे दे तो सुखी हो जाएगा। आपा कहने नहीं महाराज मैं तो मन की मर्जी करनी है, मन के मगर लगना, मेरा तो मन ही नहीं करता गुरु घर जाने। महाराज मेरा मन ही नहीं करता सेवा करनू, साडा मन ही नहीं करता सिमरन करनू, मन ही नहीं करता अमृत वेले उठन। ये सारे साध संगत जिहड़ा दुख है ना इसकी जड़ मन ही है। जे अपना मन मन जे ना मन माने तो वह हर जाने फिर समझ लो परमेश्वर पा लिया, परमेश्वर जान लिया। फिर मन मन जे गुरां दी हो जाए कृपा कहते आत्मा आवे शांति, फिर कहते मन शांति आएगी। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमान करते हैं माणक मोती नाम प्रभ। जिहड़ा परमेश्वर का नाम आ ना बड़ा अमोलक, कहिंदे माणक आ मोती। जिवें आ जिहड़ा शरीर आ ना आपां नूं मिलिया इह साधन, इसकी कीमत भी आपां नूं पता नहीं है। जे आपां नूं कीमत पता होवे तां की आपां इस हीरे वर्गे जन्म नूं एवें ब्याहीए गवा दईए कि आपां ठेकियां ते बैठ के शराबां पीए कि आपां होर माड़े कर्म करिए। जिन्हों साधन इस मनुखा देह की कदर है ना
ਉਹੀ ਜੁੜਦਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ 7.5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ 84 ਭੁਗਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਵ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸਾਧਸੰਗਤ ਇਹ ਹੀਰਾ ਹੈ ਕਬੀਰ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬਣ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਰ। ਹਰ ਸਿਉ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੈ ਕਰੇ ਆਣ ਕੀ ਆਸ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਹੀ ਮਾਂ ਤਲੋਕ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਨਕ ਤਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਭਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕਰੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟਾਬੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਭ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਤ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰ। ਕਲਮਲ ਹੋਈ ਮੇਤਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ, ਅਨਿਆਂ ਦੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਤਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਕਹੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦਾ, ਨੈ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਪਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੋ ਮੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤਕਾਂ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਰੰਗ ਸਭੈ ਨਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਵਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਹਨ ਜੀਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝੇਗਾ। ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭੈ ਰੰਗ ਸਭੈ ਨਰਾਇਣ ਜੇਤੇ ਮਨ ਭਵਨ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਰ ਲੋੜੇ ਸੋ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜੀ ਕਰਨ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਹੀਐ ਧੰਨ। ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
गुरु अपना किवें बनेगा जे आप गुरुदेव बन जावांगे। प्रीता आप सवारे मैं मिला, मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रो बन, भी जे आपां अपनी चतुराई दे नाल कहीए जी मैं रब नूं पा लिया है, हुण रसना दे नाल जबान दे नाल तां सारे ही परमेश्वर दा नाम जपदे हन, राम राम सब को कहे राम ना पाया जाए, चतुराई दे नाल नहीं कहिंदे परमेश्वर मिलदा। इह तां जिहदे उपर गुरु की कृपा होवे गुरु की बख्शिश होवे, जे चतुराई दे नाल मिलदा हुंदा फिर उहनूं विछड़ के रोंदे क्यों। अपन लिया जे मिला विछड़ क्यों रवन, साधु संग प्रापते नानक रंग मानन। भी जे तू साधुआं दी संगत विच जुड़ेगा, गुरु दे पूरे गुरु दी शरणक तैयार करेगा, पूरे गुरु दा उपदेश सुनेगा, फिर मनेगा, उसनूं जीवन दे विच अपलाई करेगा, फिर कहिंदे तू जिंदगी दे हर रंग नूं मानेगा। आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी, जोत सुभावै नानका साई गल चंगी। फिर तू गुरु के हुक्म नूं जान लवेगा भी जो परमेश्वर करता है चंगा ही करता है। हर जेठ रंगीला तिस धनी जिस कै भाग मथन। फिर कहिंदे जे तू नाम जप के यह मोलक धन इकट्ठा कर लवेगा, फिर कहिंदे ये जेठ का रंगीला तेरे वास्ते भागा भरिया है। फिर तू यूं समझ के मैनू अविनाशी धन प्राप्त हो गया है। साध संगत दिन तां सारे ही इको जे हन, भले दिवस भले संजोग, जित भेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को होम बल जाओ, जित मेरा मन जपै हर माओ। इंसान की जिंदगी का उही समा वड्या भागा वाला है, सुहावना है, जिस समय यह परमेश्वर का नाम जपदा है। तां ते आओ ये गुरु अर्जन देव महाराज जी जेठ दे महीने का पवित्र उपदेश आपां नूं दृढ़ करवा रहे हैं। भाई उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों नाल जुड़ो, जिस दे नाल जुड़ के फिर तू कदे टुटेगा भी नहीं। जुड़न दे विच सुख है, टुटन दे विच दुख है। जुड़न दे विच आनंद है, टुटन दे विच खुआरी है। हर बिसरत सदा खुआरी, तां को धोखा कहां व्यापै जां को ओट तुहारी। बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना सप जैसे अजारी। जे तू परमेश्वर के नाम टुट के जीवन जीवेगा, जिवें कहते सप जहर नाल उसकी की दुर्दशा होंदी है, सर्प जैसे अजारी। इस करके भाई उस अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों नाल जुड़ना चाहिए। साथ आओ, समा भी हो गया बोलदिया, एक नहीं बेअंत भुलां हो जाए, बेअंत संगतां ने लाहे प्राप्त किए हैं। पठानकोट धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का, जिन्हां ने कृपा की आपां सारयां नूं ही अमृत वेले का सोहना समा सुभागा समा प्राप्त होया है। गुरबाणी का विचार विचारां पवित्र इतिहास दीआं विचारां साढ़े भी हिरदिआं दे अंदर वस जाण, तां कि साडा भी लोक सुखी परलोक सहेला हो जाए। प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद, सारिया संगतां का पठानकोट धन्यवाद, जिन्हां ने गुरु घर विखे आ के अपने भाई सुहास सफले किए हैं, सारिआं दा ही पठानकोट धन्यवाद। आओ सारे हुण आपां गुरु स्तोत्र दे विच बोलीए। आनंद साहिब हुण सारे भाई दा गुरु स्तोत्र दे विच साथ देवो। तन तन है तन है नानक साहे तन Thank you.
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ।